डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात ही होगा कि इस समय हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम कैप्सूल श्रृंखला के तहत 2019 से 2023 तक के अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 2019 के रसायन विज्ञान के भाग को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग भौतिक विज्ञान के सब भाग को सॉल्व कर रहे हैं, जिसका आज हम लोग सेट नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं और आज हमारा सेट नंबर 6 हो जाएगा समाप्त। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। आइए जरा देखते हैं, हम लोग लिखा हुआ है कि एक गोली दर्पण की फोकस दूरी EF है और उसकी वक्रता त्रिज्या R है, दोनों में अभीष्ट संबंध क्या होता है, तो बताइए। तो जरा R बराबर F बाई टू होता है क्या? नहीं होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मतलब जो F है वो R का आधा होता है। तो क्या ये रिलेशन कहीं आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करा दीजिए तो R बराबर आपको मिल जाएगा क्या? 2F तो है ना। कौन सा वाला? सेकेंड नंबर ऑप्शन। कौन सा नंबर ऑप्शन? सेकेंड नंबर ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आ जाइए। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया। आगे कह रहा है स्वस्थ मनुष्य के स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी क्या है, वो तो आप जानते ही हैं, 25 सेंटीमीटर है। अधिकतम दूरी अनंत है। ठीक, चलिए आइए अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल से तगड़ा सवाल शुरू होता है। कह रहा है कि भैया एक अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो 15 सेमी है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि वस्तु का लेंस से 10 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बने, लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन की भी गणना कीजिए। तो आ जाइए जरा हम लोग सवाल को पता कर लेते हैं। आप चूंकि अवतल लेंस देख रहे हैं तो अवतल लेंस का आपको मालूम है सब कुछ माइनस ही लिया जाता है, एफ भी जो होता है आपका माइनस ही लेते हैं, माइनस में ही आपका जो यू होता है वो भी माइनस में ही लेते हैं और जो वी होता है वो भी माइनस में ही लेते हैं। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। फिर आपका जो वस्तु की ऊँचाई होती है वो धनात्मक ही रहती है और जो प्रतिबिंब की जो ऊँचाई होती है वो भी आपका धनात्मक ही रहती है। ठीक, ध्यान में रखिएगा। तो जरा आप यहाँ पे देखेंगे कि लिखा क्या हुआ, इसकी फोकस दूरी क्या है। तो फोकस दूरी F बराबर लिख दीजिए -15 सेंटीमीटर। क्योंकि इसका सब कुछ माइनस क्यों लेते हैं आपको मालूम ही होगा, ये लेंस ऐसा होता है, इसका ये जाता है यहाँ से, आप यहाँ पे वस्तु रखते हैं तो आपने इस साइड में रखा है, क्योंकि मान लीजिए आप एक्सिस मान लीजिए ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, तो यह जो आपका मूल बिंदु है इसके इधर साइड में जो भी होगा सब माइनस होगा, तो आपने वस्तु को इधर रखा अर्थात यू माइनस होगा। अब चूंकि जब यहाँ से जाता है तो प्रतिबिंब भी ऐसा ही बनता है, इधर साइड में ही बनता है आपका, एक यहाँ से जाता है ऐसे होता हुआ, तो यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनता है ये चीज़, तो जो आपका यहाँ प्रतिबिंब बना वो भी इधर साइड में ही बना अर्थात वी भी इसका हो गया माइनस, वी क्या हो गया? माइनस हो गया। ठीक है, फोकस दूरी चूँकि ये घूम कर यहीं से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, यही आपका फोकस हो गया, इधर साइड वाला लेना नहीं है, इधर साइड वाला लिया आपने इसीलिए सब प्लस हो गया, तो अवतल लेंस के लिए सब कुछ प्लस होता है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। और अगर आपको आरेख अच्छे समझना है तो जाइए आप पिछली क्लास को देख लीजिए, उसमें आप समझ जाएंगे जहाँ पे हमने लेंस पर प्रतिबिंबों का बनना समझाया हुआ है। ठीक, चलिए जरा अब देखते हैं हम लोग, यफ की बात हो रही है, यफ माइनस 15 हो गया, यू आपसे पूछ रहा है क्या सवाल में, आपसे सवाल में यू पूछ रहा है क्या कितनी दूरी पर रखें, देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है ना ऊपर लाइन में कितनी दूरी पर रखें, तो वस्तु की दूरी को क्या मानते हैं हम लोग, यू मानते हैं, मतलब आपसे यू पूछ लिया और प्रतिबिंब आपका बनना है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो हो जाएगा आपका वी बराबर -10 सेमी हो जाएगा। चलिए लगा लीजिए लेंस सूत्र, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र कहता है भैया लगाओ 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, तो मैंने कहा ठीक है, तो आपने कहा चलिए 1/U को इधर भेज देते हैं और 1/V माइनस 1/F को उधर साइड में कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इसमें क्या है, तो आपने कहा चलिए देखा जाए, तो 1/V का वैल्यू आपने रख दिया माइनस में 10 और यहाँ पे 1/F का रख दिया आपने 1/-15, तो आपने देखा कि ये टोटल आ गया माइनस में 1/10 और वो आ गया माइनस माइनस प्लस में 1/15। आपने लसा लेना है तो दोनों का लसा होगा 30, तो यहाँ पर हो जाएगा -30 -3 और +15 × 30। क्यों ऐसा हुआ जी? क्योंकि देखिए 10 का पहाड़ा में 3 बार में आया तो ऊपर 3 का गुणा हो गया, 15 पहाड़े में 2 बार में आया तो ऊपर 2 का गुणा हो गया, माइनस वाला आपका बड़ा है, तो 1/U बराबर आपका आ गया -1/15
-30 पलट देंगे तो u बराबर -30 सेमी। इसका मतलब कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा जी, 30 सेमी दूरी पर रखना पड़ेगा, हो जाएगा। उसके बाद आवर्धन देख लीजिए, इसमें आंसर लिख दिया करिए कि 30 सेमी दूरी पर रखना पड़ेगा या रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आवर्धन देख लीजिए, m बराबर आपका फॉर्मूला होता है i अपॉन o, दिया नहीं है इसीलिए आप v अपॉन u यूज कर लीजिए। v का वैल्यू आपने देखा -10 था और ये आपका -30 था, कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो वस्तु का 1/3 गुना है, ठीक है। बस सवाल खत्म, सवाल खत्म, पैसा हजम। अब आ जाइए जरा अगले सवाल पर। सिद्ध कीजिए कि जो विद्युत बल्ब का सामर्थ्य होता है, विद्युत बल्ब का सामर्थ्य उसके प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है जी, प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो आइए जरा हम बात करते हैं, बल्ब, तो जो बल्ब की सामर्थ्य है, बल्ब की सामर्थ्य उसे आप प्रदर्शित करेंगे पी से, और जो बल्ब का प्रतिरोध है उसे आप प्रदर्शित करेंगे आर से, ठीक। तो हम इन दोनों में रिलेशन जानना चाहते हैं, कैसे सिद्ध करेंगे कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपने देखा यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है पी बराबर वी स्क्वायर टी बट्टे आर, तो इसमें आपने देखा कि पी और आर में उल्टा संबंध है, इसीलिए हो गया व्युत्क्रमानुपाती। तो ये तो सीधा एक लाइन का हो गया, लेकिन हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे, तो जरा देखिए आप लोग दिल थाम के बैठिए और देखना शुरू कर दीजिए। आइए जरा देखते हैं हम लोग क्या होता है इसमें। देखिए चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, कि सामर्थ्य पी बराबर वी इंटू आई, तो आपके दिमाग में चलेगा कि इसमें तो कहीं आर आया ही नहीं है, तो मैंने कहा कि आप आई का एक फॉर्मूला लिखिए जिससे आर आ जाए, आप आई का एक फॉर्मूला लिखिए जिससे आर आ जाए। तो आपने कहा क्यों ना हम वी का ही फॉर्मूला लिखते, वी बराबर आई इंटू आर। तो मैंने कहा देखिए वी बराबर आई इंटू आर आप रख देंगे तो हो जाएगी प्रॉब्लम आपको, ठीक है, ये बात को मैं बता रहा हूँ। तो आपने कहा क्यों प्रॉब्लम होगी, तो मैंने कहा एक बात समझिए कि चूंकि बल्ब या कोई भी उपकरण किस क्रम में जोड़ा जाता है जी, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। इसलिए क्या समान रहता है जी, विभव समान रहता है, विभव अर्थात V समान रहेगा। और अगर आप I को छोड़ते हैं तो I बदल जाता है, I क्या होता है, I बदल जाएगा, मतलब I बदलेगा, मैंने लिख दिया है, हो जाएगा। तो ये बात को ध्यान में रखिए, इसलिए मैं यहाँ से I को समाप्त कर देता हूँ। जो चीज़ बदलेगी आप उसमें रिलेशन नहीं पता कर सकते ना, याद रखिएगा। अगर आई बदल रहा है तो आप आर में कैसे रिलेशन पता कर पाएंगे, आपको आई को फिक्स करना पड़ेगा। तो आई फिक्स होता नहीं है कभी, फिक्स होता है इसमें आपका वी, इसीलिए मैंने वी को रखने का निर्णय लिया और आई को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। चूंकि ओम के नियम से अगर आप फॉर्मूला निकालेंगे तो आई इज इक्वल निकल के आएगा वी अपॉन आर, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ओम के नियम से, हो गया। चलिए तो उसके बाद आ जाइए आप, तो P बराबर आपने देखा कि V की जगह V रहने दिया आपने और I की जगह आपने रख दिया V स्क्वायर बट्टे ये V बट्टे R, तो टोटली आपका आ गया V स्क्वायर अपॉन R। तो चूंकि समांतर क्रम में V स्थिर होता है, ऐसे आप लिखिएगा, आप इसको सवाल ऐसे लगाएंगे आप पेपर में, समांतर क्रम में V स्थिरांक होता है, तो इसलिए आपको मालूम है कि जैसे ही आप किसी स्थिरांक को हटाएंगे बराबर की जगह अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लग जाएगा, बराबर की जगह अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लग जाएगा। इससे स्पष्ट है कि
इसलिए स्पष्ट है कि सामर्थ्य पी प्रतिरोध का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती है। बस ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और हमने आई को क्यों ख़त्म किया आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आई को हमने इसीलिए ख़त्म किया, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपने वी को स्थिर कर दिया। क्यों स्थिर किया, क्योंकि समांतर क्रम में वी स्थिर होता है। परंतु यहाँ पे अगर आप मान लीजिए वी का मान रख देते आई आर, तो आपका जो फॉर्मूला बनता वो बनता आई स्क्वायर आर। तो आप कहते आई स्थिर है, इसका मतलब पी का आर से सीधा संबंध है। आई स्थिर कहाँ है जी, आप हमेशा उपकरण समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आप कहेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ें, तो क्यों जोड़ेंगे हम बताइए, घरों की वायरिंग समांतर क्रम में होती है, तो वहीं पे आपको बात करनी है। तो आप आई बदलता हुआ देखेंगे, जब आई बदलेगा तो आई को स्थिर कैसे मान सकते हैं आप, इसीलिए हम लोग इसे नहीं ले सकते हैं। ये बात को आप अपनी खोपड़ी में बैठा लीजिएगा, ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिए। चलिए अब जरा आइए आगे, अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। आगे के जो सवाल हैं यहाँ से ना, ये बकवास सवाल हैं, ठीक है, ये आपको जानने के लिए नहीं चाहिए, परंतु मैं आपको फॉर्मूले से सीधा सीधा बता देता हूँ। ठीक, सबसे पहले तो ये आपको यहाँ से पूछा है कि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा यदि कुंडली का तल एक बार अनुदिश हो और एक बार लंबवत हो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बता देता हूँ। चुंबकीय फ्लक्स की संख्या, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और बहुविकल्पी की दृष्टि से याद कर लीजिए, वैसे ये संभवतः आपके सिलेबस से कट चुका है। चुंबकीय फ्लक्स, सॉरी फ्लक्स होता है जी, चुंबकीय फ्लक्स होता है फ्लक्स, आधा का फिर सब, चुंबकीय फ्लक्स की संख्या, ठीक है, फाई बराबर, आप इसे फाई बी भी लिख सकते हैं, मैं केवल फाई लिख दे रहा हूँ, केवल फाई, जिससे कन्फ्यूज ना हो हम। तो फाई बराबर आपका जो फॉर्मूला होता है वो बी इंटू ए होता है, बी डॉट ए। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो आपको यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आता है, यहाँ से अगर आप फॉर्मूला को निकालना चाहेंगे तो बी बराबर आपका निकल के आएगा फाई बट्टे ए, जहाँ पर आप B बराबर लिख लीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र, A बराबर तल का क्षेत्रफल, तल का क्षेत्रफल, उसके बाद फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स की संख्या, चुंबकीय फ्लक्स की संख्या, संख्या क्या, चुंबकीय फ्लक्स कह सकते हैं आप लोग, ये ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद आगे देखिए कि आगे क्या होने वाला है, इस कहानी में क्या ट्विस्ट आने वाला है। देखिए यहाँ पर आपने ऐसा किया और मैं आपको बता देता हूँ, फाई बराबर आप लोग एक फॉर्मूला लिख लीजिए, बी इंटू ए इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि जो फाई का फॉर्मूला होता है ना, वो फाई का फॉर्मूला होता है बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। परंतु यहाँ पे जो थीटा आपको दिख रहा है, थीटा वो जानते हैं कि जो कोण होता है किसके बीच का होता है, वो जो कोण होता है वो तल के अभिलंब और क्षेत्र के बीच का कोण होता है, क्षेत्र के बीच का कोण होता है। लेकिन यहाँ जो मैंने थीटा लिखा हुआ है वो तल और सीधे सीधे क्षेत्र के बीच का कोण है। तो यहाँ से आपका सवाल बहुत आसानी से लग जाएगा, याद रखिएगा, तल और क्षेत्र के बीच का कोण है। ठीक है, ये याद रखिए। चलिए तो मैं इसको हटाता हूँ, क्योंकि हम लोग उसी फॉर्मूले का यूज करके सवाल लगा लेंगे। बस आप नोट कर लीजिए पीछे का फॉर्मूला और सवाल देख लीजिए, बस इसको लगाने की जरूरत नहीं है, समय मिले तो लगा भी सकते हैं आप। लिखा हुआ है कि 0.9 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल वाले तार की कुंडली है, इतना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, पूछा गया है, पिछली बार पूछ लिया गया था 2022 में, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए तो ये आपका हो गया। फिर आगे आप देखेंगे कि फ्लक्स का मान निकालना है। तो मैंने कहा यहाँ पे पहला सवाल का है चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो, तो यहाँ पे आइए आप,
पहले सवाल को लिखिए आप, पहले आप सवाल को लिख लीजिए, फिर पहले सवाल को लिखेंगे। क्षेत्रफल ए बराबर दिया है, ए बराबर 0.9 मीटर स्क्वायर, और आपका आ गया बी बराबर, बी बराबर आपका आ गया 2×10^-2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए ये बट्टे का चिन्ह है। अब देखिए यहाँ पे मैं पहले सवाल पे आता हूँ, पहले सवाल पे कि जो तल है वो क्षेत्र के अनुदिश है, क्षेत्र के अनुदिश है, अनुदिश मतलब उसी की दिशा में है, उसी की दिशा में मतलब समझते हैं समांतर है, कैसा है जी, समांतर है। और कल ही मैंने आपको बताया था अगर समांतर है तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, जीरो अंश, ठीक है। तो आपको जो फाई बराबर फॉर्मूला यूज करना है, बी ए कॉस 90-θ यूज करना है। अगर आपने कॉस थीटा यूज किया तो तल का अभिलंब खींचना होगा, जैसे मान लीजिए कि ये एक तल है, ठीक है, और इसी के समांतर ये चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है, तो दोनों के बीच का कोण होगा जीरो अंश। परंतु अगर आप केवल यहाँ पे थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं, तो होगा क्या कि इस तल पर एक अभिलंब खींचना होगा। अगर आपने तल पर अभिलंब खींच दिया तो वो इस पर भी तो अभिलंब हो जाएगा, मतलब 90 अंश का कोण हो जाएगा। तो एक प्रकार से देखिए थीटा जब मैंने जीरो रखा, 90 में 0 घटाया तो 90 ही तो आया ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। इसीलिए दोनों सूत्रों में कोई अंतर नहीं है, परंतु इस वाले से आप आसानी से लगा सकते हैं, याद रख लीजिएगा। चलिए तो बी का मान आप रख दीजिए 2×10^-2 और गुड़े इसका मान है 0.9 और गुड़े कॉस 90-0, तो आपका आ गया 2×9=18, 1.8 ×10^-2 और गुड़े आपका बचा कॉस 90 अंश। कॉस 90 का मान तो आप जानते ही होंगे कितना होता है, 0 होता है। तो 1.8×10^-2×cos90 का मान 0, पूरा खत्म हो गया, चुंबकीय फ्लक्स ही नहीं जाएगा। कब, जब वो तल के अनुदिश हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश तल हो जाएगा तो उससे कोई भी फ्लक्स नहीं जाएगा, ये बात को मैं आपको बता देता हूँ, लिख के ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए आप लोग दूसरे सवाल की ओर चर्चा कर लीजिए। दूसरा सवाल कहा तल के, देख लीजिए जरा सवाल देख लीजिए, नहीं कहेंगे बिना सवाल दिखाए लगाए जा रहे हैं। देखिए तल के ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। देखिए तल चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, लंबवत हो, तो थीटा बराबर कितना अंश आ जाएगा, 90 अंश। तो फाई बराबर आ जाएगा बी ए कॉस 90-θ, तो बी का मान है 2×10^-2 इसका वैल्यू है 0.9 और यहाँ पे हो गया कॉस 90-90 इक्वल आ गया 0, तो 2×9=18, यहाँ पे आपने 9 रखा है ना, तो 18 हो गया 1.8×10^-2×cos90-90, कॉस 0 हो गया, तो क्या हो गया आपका 1.8×10^-2 और यहाँ पे आ गया कितना आ गया, देखिए कॉस 0 की वैल्यू 1, मतलब टोटल आ गया आपका 1.8×10^-2, जिसका जो मात्रक होता है वो होता है वेबर, होता है वेबर, जिसका चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए तो ये हो गया आपका सवाल, आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। दो ही बात याद रख लीजिए, जो तल है क्षेत्र के लंबवत है, थीटा 90 होगा, थीटा 90 होगा, और अगर जो आपका तल है वो उसके समांतर है तो थीटा 0 होगा, और 90-θ का फॉर्मूला लगाइएगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट थीटा का फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अभी हमारा आज का आखिरी सवाल है और अंतिम सवाल है, देखिए कितना बढ़िया सवाल है ये। सवाल लिखा क्या हुआ है आप बताइए ज़रा, लिखा हुआ है दो प्रतिरोध 3 ओम और 5 ओम के हैं, दो प्रतिरोध 3 ओम और 5 ओम के हैं, इनको जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोधक अधिक गर्म होगा,
यदि इन्हें परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़ें और परस्पर समांतर क्रम में जोड़ें। ठीक है, तो कौन सा गर्म होगा अर्थात उत्पन्न ऊष्मा हमको निकालना है, यच, यच निकालना है। तो आप पर जरा आइए, पिछले वाले सवाल का ही रूल हम लोग यूज करेंगे इसमें। पहला, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जो होती है धारा होती है समान, धारा समान होती है, ठीक है, और हम मान लेते हैं इसे I, ध्यान दीजिएगा। अब आ जाइए, दो कॉलम में बांट लीजिए पहले सवाल को। पहला प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध, ठीक है, क्या हो जाएगा R1 बराबर 3 ओम कर दीजिए, दूसरा प्रतिरोध R2 बराबर 5 ओम कर दीजिए, हो गया ना। अब उत्पन्न ऊष्मा निकाल लीजिए, तो उत्पन्न ऊष्मा H1 बराबर, और यहाँ पे उत्पन्न ऊष्मा H2 बराबर। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें I आएगा, क्योंकि I समान है तो I कट जाना चाहिए। तो आपको H के बहुत सारे फॉर्मूले याद हैं, उसमें से आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए I स्क्वायर आर टी, इसको भी लिख लीजिए I स्क्वायर आर टी। तो मैंने कहा कि R बदलने वाला, I बदलने वाला नहीं है, R की जगह यहाँ पे आपने R1 लिया है और R की जगह पे यहाँ पे आपने R2 लिया है। समय तो कुछ भी हो सकता है, जो होगा दोनों का समान ही रहेगा, ठीक है। तो मैंने कहा चलो इसको I स्क्वायर रहने दो और गुड़े यहाँ पे 3 कर दो, और गुड़े कितना कर दो, T कर दो, फिर यहाँ पे H2 कर दो, I स्क्वायर कर दो, और यहाँ पे 5 कर दो, और यहाँ पे T कर दो, हो जाएगा। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो आपने देखा कि ये हो गया दोनों का वैल्यू। अब मैंने कहा अगर आपको तुलना करनी है तो दोनों का भाग कर दीजिए, तो H1 बट्टे H2 आपने कर दिया, तो आपने कर दिया H1 बट्टे H2, तो एक आपका हो गया I स्क्वायर गुड़े 3 गुड़े T, और दूसरा आपका हो गया I स्क्वायर गुड़े 5 गुड़े T। देखिए T से T कट गया, I स्क्वायर से I स्क्वायर कट गया, आपको मिल गया H1 बट्टे H2, H1 बट्टे H2 बराबर 3/5। तो आप देखेंगे कि H1 बराबर आ गया आपका 3/5 H2, जो 3/5 H2 है वो 1 से कम है, इसका मतलब H2 आपका बड़ा होगा। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसको छोड़ ही दीजिए, देखिए छोड़िए इसको, आप यहाँ से इसका अनुपात लिख दीजिए, H1 अनुपात H2 बराबर कितना आ गया 3:5। कब, जब आपने जोड़ा इसको श्रेणी क्रम में, किस क्रम में जोड़ा, श्रेणी क्रम में। तो आप बताइए अगर मैं H1 को अलग करूं और H2 को अलग करूं तो दोनों में x लगा दूं, अलग हो जाएंगे दोनों, तो ये 3x है और ये कितना x है, 5x है। तो कौन सा अधिक है जी, 5x वाला अधिक है, अर्थात H2 अधिक है। H2 कौन से वाले का था जी, H2 देखिए दूसरे प्रतिरोध का था, मतलब दूसरा प्रतिरोध कैसा होगा जी, अधिक गर्म होगा, कैसा होगा, अधिक गर्म होगा। तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जितना ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा गर्म होगा, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिए और लिख के ले लीजिए इस बात को। दूसरा कहा कि इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे आप, तो आ जाइए जरा समांतर क्रम का देख लिया जाए। तो समांतर क्रम में आप क्या लिखेंगे, क्या समान रहता है जी, चूंकि समांतर क्रम में विभव समान रहता है, विभव मतलब भी समान रहता है, विभव समान रहता है, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए अब हम दोनों विभव, ये दोनों प्रतिरोध को फिर पकड़ेंगे। अब पहला प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध R1 बराबर 3 ओम, दूसरा प्रतिरोध R2 बराबर 5 ओम। तो मैंने कहा इस बार आपसे बोला गया कि भैया देखो ये विभवांतर समान रखना, विभवांतर समान रखना, बाकी कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने कहा चलिए ठीक है, तो हम एक फार्मूला ऐसा लिख देंगे जिसमें V और R आता हो, V और R आता। तो मैंने कहा बताइए जरा, तो आपने कहा देखिए V स्क्वायर T अपॉन R होता है। मैंने कहा अच्छा,
आर की जगह आप आर वन कर दिए, फिर यहाँ पे वी स्क्वायर टी बट्टे आर होता है, आर की जगह आपने आर टू कर दिए, ठीक। तो सारे मान को आप रख दिया, एच वन बराबर आपने रख दिया वी स्क्वायर टी बट्टे आर वन का मान 3 और एच टू का मान आपने रख दिया वी स्क्वायर टी बट्टे आर वन या आर टू का मान 5। तो फिर मैंने कहा चलो तो एच वन बट्टे एच टू कर लो, आपने कहा अच्छा कोई बात नहीं कर लेते हैं, तो वी स्क्वायर बट्टे आपने 3 कर दिया और आपने वी स्क्वायर टी बट्टे आपने 5 कर दिया। आपको मालूम है सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, तो आपने क्या किया कि यहाँ से कर दिया वी स्क्वायर टी बट्टे 3, उसके गुणा चला गया 5 और यहाँ पर चलाया वी स्क्वायर टी, तो आपने कहा देखिए वी स्क्वायर टी से वी स्क्वायर टी कट गया, केवल आ गया 5/3। मैंने कहा बहुत बढ़िया वेरी गुड, तो आपने कहा चलिए अब देखिए एच वन बट्टे एच टू आ गया कितना 5/3। मैंने कहा अनुपात लगा दीजिए दोनों में, एच वन अनुपात एच टू बराबर 5:3। अगर अलग करना हुआ तो एच वन जो है 5x होगा और जो एच टू है वो 3x होगा, इसका मतलब ये अधिक हो गया। अब जिसने अधिक ऊष्मा उत्पन्न की वो अधिक गर्म होगा, तो इसका मतलब जब आप बात करते हैं श्रेणी क्रम, ये सॉरी किस क्रम की, समांतर क्रम की, तो जो आपका कम प्रतिरोध है वो अधिक गर्म होगा, वो अधिक गर्म होगा क्योंकि वो जो एच वन है वो अधिक गर्म हो जाएगा, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया और बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए तो हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में एक नए सेट के साथ, ये बात को ध्यान में रखिए। जाते जाते मैं आपको एक आसान सा सवाल दिए जाता हूँ, आप इसको खुद लगाइएगा, वैसे ये भी आपके सिलेबस से कट ही चुका है क्योंकि आवेशित कण की बात कर रहा है, हमारे सिलेबस में आवेशित कण है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्यू जो है आवेश की मात्रा दी गई है 3.2×10⁻¹⁹ पढ़ते जाइएगा सवाल को। फिर 10^6 m/s, मीटर प्रति सेकेंड क्या होता है, वेग होता है, तो वेग वी बराबर दे दिया, जो कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूले पे लगेगा, वेग वी बराबर 10^6 m/s, 3 Wb/m² तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है 3 Wb/m² और उसके बाद 60° के कोण पर प्रवेश कर रहा है, तो थीटा बराबर आपका दे दिया है 60°। तो आपने कहा तो क्या करें, देखिए पूछ क्या रहा है आपसे, उस आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है आपको बल अगर लगाना है तो आप क्या काम करेंगे, आप तुरंत ही लिखेंगे बल F बराबर क्या लिखेंगे, क्यू वी बी साइन थीटा, जो मैंने उस दिन आपको बताया था, इसी में सारे मान को रख दीजिएगा आपका सवाल लग जाएगा, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिए। फिर कह रहा है गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, वही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, क्योंकि ये आवेश चल रहा है और जो हम लोग धारावाही चालक लगाते हैं उसमें भी तो आवेश ही चलते हैं ना, याद रखिएगा, तो दोनों को एक ही तरह से ट्रीट करना है, तो फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम लगेगा, याद रखिएगा अगर इसकी दिशा ज्ञात करना चाहते हैं, हो जाएगा। बस तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग कल मिलते हैं 7वें सेट के साथ और कल करेंगे 7वें सेट की पूर्णाहुति, फिर हम लोग आएंगे सन 2020 पे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, धन्यवाद।